पीएलसीसी वेल साइंस में हमने लॉन्च किया है अपना न्यूट्रासिटिकल रेंज। आज की जो बीमारियां इनके नाम क्या है, अर्थराइटिस, मैनेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, नेफ्राइटिस, क्या आप जानते हैं इस आइटिस का मतलब क्या होता है? जब भी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं आपको ये वाला आइटिस हो गया। सो आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग। सो अगर लंग्स में स्वेलिंग होगी तो इसको ब्रोंकाइटिस हो गया, किडनी में स्वेलिंग होगी तो नेफ्राइटिस हो गया, जॉइंट में स्वेलिंग होगी तो अर्थराइटिस हो गया, ब्रेन में मैनेंजाइटिस हो गया। सो आज यही तो बीमारियां हैं। इसका मूल कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? इसका बहुत बड़ा रीजन है ऑक्सीडेशन। जब हम लोग ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, ये हमें जीवन देती है, एनर्जी क्रिएट करती है, मगर ऑक्सीजन के कुछ कण बॉडी में जाके टूट जाते हैं। जैसे हमने बचपन में पढ़ा है कि ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल होते हैं O2, और ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, पर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं ऑक्सीजन के जो वीक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये बॉडी में जाके टूट जाते हैं। इंट्यूटिव मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ये फ्री रेडिकल्स जब ह्यूमन बॉडी में जाते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है, तो ह्यूमन बॉडी को जाके अटैक करना शुरू करते हैं। तो जब ये सपोज चार फ्री रेडिकल्स बॉडी को अटैक करते हैं तो सेल्स से ये इलेक्ट्रॉन छीनते हैं, तो वो सेल्स इनके साथ जुड़ जाते हैं, वो भी फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं, और अब ये 16 को 16 64 को, तो एक चेन रिएक्शन ह्यूमन बॉडी में हो जाता है और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फ्री रेडिकल्स ह्यूमन बॉडी में अटैक करते हैं। और जब भी हमारी बॉडी में अटैक होता है तो इन्फ्लेमेशन होता है। इसलिए आज की जो बीमारियां हैं इसका मूल कारण है ऑक्सीडेशन। कैंसर कहाँ से आता है? ह्यूमन बॉडी में कम से कम 10,000 सेल ऐसे रोज बनते हैं जो कैंसरस हो सकते हैं, और जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उसको जल्दी से बीमारियां पकड़ती हैं, आप जानते हैं। और ऑक्सीडेशन बहुत बड़ा कारण है इम्यूनिटी को कमजोर करने का। इसका कारण क्या है? अगर प्रॉब्लम का नाम ऑक्सीडेशन है तो इलाज का नाम है एंटीऑक्सीडेशन। आयुर्वेदा बोलता है हमको 4 से 5 तरह के फल सब्जी 4 से 5 बार रोज खाने चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियों में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, वाइटामिन ए आँखों के लिए, वाइटामिन सी गम्स के लिए, आयोडीन थायराइड के लिए, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस हड्डियों के लिए, आएंगे कहाँ से? इतनी बैलेंस डाइट आज किसी की नहीं रही। और ये क्योंकि आज एक लड़ाई शरीर में हो रही है ऑक्सीडेशन की और एंटीऑक्सीडेंट। अब ऑक्सीडेशन तो हो रहा है मगर फल सब्जी ना खाने से एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में शरीर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण सारी बीमारी। इसलिए वेल साइंस ने जो पहला प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है उसका नाम है मैक्सोरेक। मैक्सोरेक का मतलब है मैक्स इज मैक्सिमम एंड ऑरेक इज ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो यहाँ पर हमने कुदरत से बहुत अच्छे प्रोडक्ट लिए, जैसे हल्दी से कर्क्यूमिनाइट्स एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेगा, आंवला से टैनिंस एंटीऑक्सीडेंट रसायन विटामिन सी का स्रोत, उसके बाद जो है अनार, अनार के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है एलर्जिक एसिड, और मुलेठी, मुलेठी के अंदर लिक्रिस पाया जाता है जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो को हम असेंशियल बोलते हैं, हम सबको ये इसको डेली लेना चाहिए।